शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर भिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लाट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दो दो कड़ी सिक्योरिटी गेट होने के बाद भी बिल्हा के मंगल स्पंज आयरन कंपनी में कोई भी बाहरी व्यक्ति कैसे घुस गया किसी को पता नहीं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वालों को पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। देखिए यह रिपोर्ट। इस खबर के अनुसार दो दो कड़ी सिक्योरिटी गेट होने के बाद भी बिल्हा के मंगल स्पंज आयरन कंपनी में कोई भी व्यक्ति कैसे घुस गया किसी को पता नहीं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गया। बिलासपुर जिले के बिल्हा में मंगल स्पंज आयरन कंपनी में कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी कोई भी बाहरी लोगों के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देना मतलब इतनी बड़ी कंपनी को चुनौती देने के बराबर है। हम बता दें कि 22 फरवरी को कंपनी के कर्मचारी एवं बाहरी लोगों के द्वारा बिल्हा अंग्रेजी शराब दुकान के पास आपसी विवाद को लेकर कंपनी के अंदर काम कर रहे दो कर्मचारियों के ऊपर ब्लेड से गला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमला करने वाले तीन लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि उन तीन लोगों को अंदर जाने के लिए किसने परमिशन दिया या कोई नहीं बता रहा। ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी सही तरीके से उपयोग किया गया है जिससे हमला करने वाले लोगों की जानकारी प्राप्त हो सके। घायलों द्वारा बताया जा रहा है कि उन तीनों लोगों ने हमारा पीछा करते हुए लेबर रूम तक आए, लेकिन किसी भी सिक्योरिटी द्वारा उन्हें नहीं रोका गया और यही वजह रहा कि उन हमलावरों को हम पर हमला करने के लिए रास्ता साफ नजर आया। वही मीडिया कर्मियों ने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन उन बदमाशों को जो कंपनी के कर्मचारियों को मारने गए थे उनको अंदर दे दिया गया। यहां तक सच छुपाने के लिए मीडिया कर्मचारियों को अंदर जाने से साफ-साफ मना कर दिया गया। सुनने में यह भी आया है कि डायल 112 को भी कंपनी के अंदर नहीं जाने दिया गया था। जो हमला किया उस व्यक्ति का नाम, उसके बारे में नहीं मालूम। कौन आया, कैसे आ गया, कौन आया है, पता नहीं आया है, अभी तक कोई दिखा नहीं। जांच चल रही है। मेन गेट जो है दूरी कितना है मेन गेट से? मेन गेट से ज्यादा नहीं होगा, लगभग 100 मीटर। 100 मीटर अंदर में। तो आप ये मेन गेट, उधर से भी दीवार टूटा हुआ है, पता नहीं। आप ये मेन गेट गिनते हो कि उधर जो रोड के पास है गेट, उससे वो मेन गेट में आए हुए हैं क्या? जो भी नहीं, मेन गेट यही है, मेन गेट ये मेन गेट है। हां, वहां छोटा गेट है। दीवार टूटा है बोल रहे हैं, तो दीवार तोड़ के आया है जो हमलावर है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहीं पे भी आ सकते हैं, दीवार कूद के आ सकते हैं। कैसे? कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। दीवार कूद के सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। सुरक्षा है, पूरा है, बैरिकेडेड है। कैसे आ जाएगा? उसके बावजूद भी अगर कूद जाएगा तो क्या करें? सही बोल रहे हैं। मीडिया वाले को जगह स्थल जहाँ घटना हुआ है उसको दिखाने में आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं, वो सब हम जो भी है आपको बता चुके हैं। पुलिस जाँच कर रही है, इसलिए हम पुलिस जाँच कर रही है। मीडिया का काम है जगह कवरेज करना, पारदर्शी कर रहे हैं। तो आप उस जगह को क्यों छुपाने का आपका मकसद क्या है? छुपाने के बाद छुपाने होता तो पुलिस को अपन दिखाते नहीं, तो पुलिस पूरा चीज कर रहे हैं। पुलिस कर रहा है। हमको ये भी जानकारी मिला है कि 112 जो है उनको भी आप घुसने के लिए मना कर रहे थे। नहीं नहीं, घुसने के लिए कैसे मना करेंगे? तख्ता में डाल के यहाँ गेट में लेके आ गए ताकि टाइम ना हो। गेट बंद था, जल्दी रात में गेट बंद रहता है, बड़ा गेट। मीडिया को उस जगह को दिखाने में आपको क्या परेशानी हो रही है? नहीं नहीं, पुलिस जांच चल रहा है। दिखाने के लिए उस जगह में आपको क्या परेशानी हो रही है? हमको कोई परेशानी नहीं, पुलिस का जांच चल रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते जो कुछ है पुलिस से बात करें। आपको मना किसने किया है वो तो वहाँ जाने के लिए? नहीं नहीं, पुलिस का जांच चल रहा है इसलिए हम लोग नहीं दिखा सकते। आपको मना किया? चंद्रकांत है। उम्र कितना होगा लगभग? उम्र लगभग 25-30। अच्छा, और पप्पू यादव। ये कहाँ के हैं सर दोनों? एक यही के हैं, भैंस बोर्ड के हैं जैसा जानकारी मिला, एक पप्पू यादव। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर से आए हैं तो यहाँ तक पहुँचने में हमको 3 सिक्योरिटी पोस्ट पार करना पड़ा है, तो क्या उनका वो सिक्योरिटी पोस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सिक्योरिटी जांच होता है यहाँ पर, वही जांच का मुद्दा है कैसे ये लोग अंदर आ गए बिना किसी परमिशन के। उन लोग अंदर आ गए, इधर से आए हैं, किधर से आए ये किसी का भी पता। अब देखने वाली बात यह होगी, इतनी बड़ी कंपनी में इस प्रकार की निंदनीय घटना आगे होते रहेगी या फिर सीसीटीवी कैमरे जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हमलावरों की गिरफ्तारी होगी या फिर ऐसे ही ढीले ढाले सिक्योरिटी रखकर कंपनी अपने अंदर ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते रहेगा। हमलावरों को कब तक पकड़ा जाता है यह अब देखने वाली बात होगी। बिल्हा से मनहरण बंजारे के साथ राम भरद्वाज की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।